जी देखिए, अब आपका सवाल ये है कि हम ताले वाला उपाय क्या इस दिवाली कर सकते हैं। आपको कोई भी दिवाली, मैं इस दुनिया में रहूं ना रहूं, आपको कोई भी दिवाली ऐसी ना हो जिसमें आप ताले वाला उपाय ना करें, ये बात समझ लीजिए। और ताले वाला उपाय आपको जरूर करना है। इसमें आपको करना क्या है, धनतेरस की रात को आप अपने तकिए के नीचे एक ताला रखकर सोएंगे। आप 1 नवंबर को दिवाली बना रहे हैं या 31 को, उसके हिसाब से देख लीजिएगा। मुझे तो देखिए दिवाली 31 तारीख से ज़्यादा बेहतर 1 तारीख को लगती है, लेकिन क्योंकि अयोध्या में और सारी दुनिया में दिवाली, क्योंकि हम दुनिया से अलग नहीं चल सकते ना, समाज में रहते हैं तो समाज के साथ चलना पड़ता है, तो हम 31 तारीख को दिवाली मना रहे हैं। मैं ऐसा मानती हूँ कि आप भी 31 को मना रहे हैं, तो आपको क्या करना है, अगर आप 31 को मना रहे हैं तो 29 को हुआ धनतेरस, 30 को हुई छोटी दिवाली और 31 को हुई बड़ी दिवाली। तो आप क्या करेंगे, 29 की रात को एक ताला लेंगे और उसे तकिए के नीचे रखकर सो जाएंगे। उस ताले को तकिए के नीचे रखकर आंखें बंद कर अपने तकिए के नीचे ताले को रख दीजिएगा। अपनी विशेष सोचिएगा, मेरी आपके जीवन में जो जो परेशानियाँ हैं, जैसे मेरी तबीयत ठीक हो जाए तो कितना अच्छा हो, मेरा अपना घर बन जाए तो कितना अच्छा हो, मेरा लोन उतर जाए तो कितना अच्छा हो, वो नाराज़ व्यक्ति मुझसे मान जाए तो कितना अच्छा हो करिएगा, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में नहीं, सोचेगा और सो जाएगा। ताला बाजार से नया लाएंगे, पुराना नहीं होना चाहिए, ताला खोलकर आप चेक नहीं करेंगे। अगले दिन छोटी दिवाली पर आप किसी भी चौराहे पर जाएंगे और इस ताले को खोलेंगे। पहला ये तरीका है, ताला वहीं फेंकाएंगे, चाबी लग के लॉकर के अंदर रख देंगे। ताला और चाबी कभी नहीं मिलनी चाहिए, जैसे ही आप ताला वहां खोलेंगे आपकी किस्मत खुल जाएगी। लेकिन बहुत से लोगों को दिवाली पर चौराहे पर जाते हुए डर लगता है, तो आप ताले को मंदिर में रखाइए चाबी के साथ। जैसे ही पंडित जी उस ताले को खोलेंगे और इस्तेमाल करेंगे, आपके जीवन में पड़ा हुआ जो दुर्भाग्य है वो चमक जाएगा। और अगर आप मंदिर ना जा पाए, चौराहे ना जा पाए, तो पीपल के पेड़ के नीचे ताला खोलकर वहां पर ताला फेंकाइएगा और चाबी लाकर अपने पास छुपा के रख लीजिए। याद रखिए, ताला और चाबी जीवन में दोबारा मिलने नहीं चाहिए। और खोलते वक्त ये सोचिएगा, मैंने अपने सारे दुर्भाग्य के रास्ते आज खोल दिए हैं, अपनी बंद किस्मत को खोल दिया है और मेरी किस्मत चमक चुकी है।